मुख्यमंत्री ने केलांग से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना का किया शुभारंभ। 2,42,000 महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए मिलेगी पेंशन। मुख्यमंत्री ने लाहौल शरद उत्सव का किया शुभारंभ। क्षेत्र के लिए 70,07,00,000 रुपए की 11 विकासात्मक परियोजनाओं की रखी आधारशिला। शिक्षा मंत्री ने पंजाब हरियाणा हिमाचल के सहयोग से क्रैक अकादमी द्वारा मेरे शहर के 100 रतन छात्रवृत्ति कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा सरकारी स्कूल शिक्षा में उत्कृष्टता के उच्च मानक कर रहे स्थापित। सिरमौर उपायुक्त सुमित खिमटा ने लोकसभा चुनाव के लिए राजकीय महाविद्यालय शिलाई संघड़ा और छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तारूवाला में ईवीएम स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। साधुपुल में 4,00,00,000 रुपए की लागत से अश्विनी खड्ड पर किया जाएगा तटीकरण। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने 1,18,00,00,000 रुपए की राशि की जारी। नाहन में लगभग 4,00,00,000 रुपए की लागत से करवाए जा रहे विकास कार्य। नाहन विधायक अजय सोलंकी ने 3,78,00,00,000 रुपए की लागत से निर्मित पार्किंग का किया लोकार्पण। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हुए हिमपात से तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम विज्ञान केंद्र का 26 फरवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान।